देखिए ये हमारा पूरे देश भर में हो रहा है। आज 9 तारीख से 14 तारीख तक हमने डिमांड्स वीक मनाने का डिसीजन लिया सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की तरफ से। उसी के सिलसिले में आज भी कार्यक्रम है और आज का दिन हमने चुना क्योंकि ये भारत छोड़ो आंदोलन का दिन है। 1942 9 अगस्त को अंग्रेजों के खिलाफ ये नारा दिया गया था और फिर लड़ाई तेज की और 1947 में देश आज़ाद हुआ। हम समझते हैं कि आज जो दिल्ली के अंदर बैठी सरकार है वो देश की आज़ादी के जो हमारे प्रिंसिपल्स थे और देश के आज़ाद होने के बाद उन प्रिंसिपल्स को आगे बढ़ाते हुए जो हमने देश को बनाया, ये सरकार उस सब चीज़ को बर्बाद करते हुए हमें अंग्रेजी राज में फेंकना चाहती है। इसलिए हमने आज का दिन चुना कि अगर हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ के उनको भारत छोड़ने को मजबूर कर सकते थे तो इन सरकारों का जो मजदूरों के खिलाफ, किसानों के साथ, नौजवानों के खिलाफ, विद्यार्थियों के खिलाफ जो रवैया है, इन सरकारों को भी फिर हम टिकने नहीं देंगे। ये हमारा आंदोलन इसलिए है। महंगाई बढ़ाई जा रही है, अपने आप नहीं बढ़ गई। आप अगर होलसेल ट्रेड को टेकओवर नहीं करोगे, सब कुछ फ्री छोड़ दोगे और सब कुछ बाजार के हवाले करोगे तो महंगाई बढ़ेगी। तो लोगों की आमदनी कम हो रही है और महंगाई बढ़ रही है तो गरीबी कई गुना आगे बढ़ रही है। इसलिए अमीर और गरीबी में बहुत फर्क होता चला जा रहा है और इसलिए महंगाई एक परेशानी है। फिर जो घर में नौजवान बच्चे हैं उनको रोजगार नहीं, वो दूसरी परेशानी है। इसलिए हम समझते हैं कि ये धर्म के नाम पे फिसाद इस देश के साथ दुश्मनाई है। जो करता है वो इस देश का दुश्मन है। हम इनको देश का दुश्मन मानते हैं, लड़ेंगे इनके खिलाफ।